तो फाइनली एम्स विजयपुर जम्मू में आज से ओपीडी की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा, शुरुआत में जो हमने तस्वीरें आपको बताई, पेशेंट्स का क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना, और अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे डायरेक्टर एम्स विजयपुर जम्मू डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी से कि किस तरह से ये सुविधाएं जो है वो अब पेशेंट्स को सुनिश्चित की जाएंगी। आने वाले वक्त में भी इमरजेंसी यहाँ पर सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट्स को यहाँ पर बेहतर इलाज मिले। और एक बार फिर कहूंगा कि एम्स जम्मू जो है ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब भी बनने जा रहा है। तो आज ओपीडी की जिस तरह से सर्विसेज यहाँ पर शुरू हुई है तो एक अच्छा दिन है, ना सिर्फ जम्मू वालों के लिए बल्कि पंजाब, हिमाचल, इसी के साथ साथ लेह लद्दाख के लोगों की बात करें तो अब वहाँ से जो है इन तमाम इलाकों से पेशेंट्स यहाँ पर आएंगे और अपना बेहतर इलाज यहाँ पर कराएंगे। तो जानकारी लेंगे डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी से जो कि डायरेक्टर हैं एम्स जम्मू के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं आपको कि फाइनली आज से यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। जिस दिन का इंतजार किया जा रहा वो दिन फाइनली आज आ गया है, तो क्या कुछ आज पहले दिन आपकी तरफ से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, पेशेंट्स को किस तरह से रिसीव किया गया है, क्या कुछ चीजें आज पहले दिन रही ये हमें बताने की कोशिश करें, और तमाम लोगों को क्या मैसेज रहेगा जो एम्स जम्मू में आकर अपना इलाज कराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को की थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन जो एक सैंक्शन किया है यहां पर। सेकंड, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की है हमारे इसमें, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फंड्स की कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है वहाँ पर। रेदर हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो हर तीन महीने जो है रिव्यू करते हैं कि आपको कितना फंड चाहिए एक्टिव। थर्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज़ आल्सो सपोर्टेड, ऑल द ऑफिसर्स एक्टिव दे आर सपोर्टेड अस। हमने एक स्पेशल जो सिस्टम जो यहाँ डेवलप किया है दैट इज़ अ रेफरेंस सिस्टम एक्चुअली, उसमें ऐसे डिवाइड किया है कि जो वॉक इन पेशेंट होंगे जो अब आएंगे एक्चुअली तो उनको हम आयुष में जो है भेजेंगे वहाँ पर। तो ये पेशेंट वो हैं जो विदाउट अपॉइंटमेंट आते हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आते हैं, तो 80% पेशेंट जो है वहाँ से जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। 20% ऐसे होंगे जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होगी तो उसको रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा। और ये भी जो है डॉक्टर हमारे जो आयुष ब्लॉक में दे आर स्पेशलिस्ट हैं, वो सर्जन्स हैं, वो फिजिशियंस हैं, ऑल आर स्पेशलिस्ट एक्चुअली। तो इसके बाद जो है दूसरा सिस्टम ये होगा कि जो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ज़्यादा वेटिंग नहीं होगी, वहाँ पर लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, सीधा रजिस्ट्रेशन काउंटर में गए, अपना अपॉइंटमेंट दिखाए और सीधा डॉक्टर के पास चले गए। इसके साथ साथ तीसरा हो गया जो रेफर पेशेंट होंगे, जैसे किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से जब रेफर होकर आएंगे उनको भी प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो रेफर किया गया एक्टिव वहाँ पर। और इस जो फोर्थ वो होंगे जो इमरजेंसी पेशेंट होंगे वो सीधा इमरजेंसी में जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी स्टार्ट करने में हम 2-3 महीने लगेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरजेंसी के साथ हमारे ऑपरेशन थिएटर शुड बी रेडी, हमारे पास आईसीयू शुड बी रेडी एक्टिव। तो ये सब चल रहा है एक्चुअली और जल्दी से जल्दी जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। और मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारा फुली फंक्शनल हॉस्पिटल जो है, जैसे 750 बेड्स जो है हमने कमीशन करने हैं, वो भी हम विद इन 6 मंथ फुली फंक्शन कर देंगे इसके। इसके साथ साथ जो अभी हमने फैसिलिटी जो स्टार्ट की है, एक तो 29 स्पेशलिटी में हमने ओपीडी स्टार्ट किया है, उसमें 20 जो हैं जनरल स्पेशलिटी हैं और 9 जो हैं वो सुपर स्पेशलिटी हैं। और वैसे हमने जो स्पेशलिटीज अप्रूव की हैं वो 50 की हुई हैं एक्चुअली, तो हम वो भी साथ साथ में आने वाले हम मिलेंगे, ऑल फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसके। इसके साथ साथ जो है हमने रेडियो इमेजिंग सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं, जिसमें डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन है 128 स्लाइस का, उसके साथ हमारा 3 टेस्ला MRI है, मोस्ट मॉडर्न है, ये फैसिलिटी ऑलरेडी जो स्टार्ट हो गई हैं। इसके साथ हमने 24/7 लैब सर्विसेज स्टार्ट की हैं। हम क्योंकि अक्सर मुझे लोग पूछते रहते थे कि आपका हॉस्पिटल कब स्टार्ट होगा एक्चुअली वो, तो हम जो है इसलिए नहीं इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते थे, मैं चाहता था कि जो भी पेशेंट आए उसको अगर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है या एक्सरे या सीटी के, तो वो हमें यहीं करना चाहिए, ना कि उसको लिख के देंगे आप जम्मू से जाके करा के आओ फिर आके दिखाओ एक्चुअली, उससे इंप्रेशन भी ठीक नहीं पड़ता एक्चुअली, भाई एम्स है इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाना है लेकिन वापस जाना पड़ रहा है एक सीटी इसके लिए। इसलिए दूसरा जो है हम एक ट्रायल रन कर रहे थे एक्चुअली, 2 महीने से हम कर रहे थे, हम डेली 200-150 पेशेंट हम देखते थे, उनसे फीडबैक लेते थे क्या क्या एरिया हैं जहाँ पर कुछ डेफिशिएंसी है जहाँ हमें इम्प्रूव करना चाहिए, वो साथ साथ में करते हैं। और आज की डेट में हमारा ये सिस्टम है कि जैसे पेशेंट आते हैं तो जैसे वो क्या नाम है हमारे पास पेशेंट असिस्टेंट हैं जो उनको हेल्प करेंगे, या किसी को व्हील चेयर चाहिए या ट्रॉली वगैरह चाहिए वगैरह, तो वो वहाँ से मिलेगी। उसके बाद पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं टू कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर,
दे आर द लिंक बिटवीन द डॉक्टर नर्सिस एंड द पेशेंट. उसके बाद पेशेंट केयर मैनेजर्स हैं जो पेशेंट के बेनिफिट बताएंगी. आप कौन सी स्कीम्स, देर आर सो मेनी नेशनल स्कीम्स होती हैं लेकिन उनमें पब्लिक को पता नहीं होता है, तो उनको एजुकेट करना कि आप इस स्कीम के अंडर हेल्प कर सकते हैं. फिर आयुष्मान भारत स्कीम है, उसके में कैसे जो है हेल्प ले सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है हमने प्रोविजन वहाँ किया हुआ है. मैंने जैसे आज देखा शुरुआत आज जिस तरह से हुई ओपीडी सर्विसेज की, मैंने कुछ पेशेंट से बात की है, वो भी कह रहे हैं कि एक अच्छा माहौल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और हमारी आधी बीमारी तो ऐसे ही मतलब माहौल देखकर ही ठीक हो गई है. तो ये बड़ा मायने रखता है कि यहाँ की जो सुविधाएं उनको देनी है आपने, तो इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, और आज पहले दिन का आपके तक क्या फीडबैक पहुँचा है पेशेंट्स का? हाँ, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा. आई फील एक्साइटेड कि जो हम सोच रहे थे वी आर कमिंग टू दैट एक्टिव. जैसे मैंने खुद ही सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है पूरा रोन लिया, हर डॉक्टर से मिला, हर नर्सिस से मिला, पेशेंट से बात की. एक पेशेंट थे जो पठानकोट से आए हुए थे, जम्मू से थे कुछ लोग जो उन्होंने ऐप बेस्ड से अपॉइंटमेंट ली हुई थी एकडी. और आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू द मीडिया कि वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर जाके वो सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं एक्चुअली वहाँ पर. और हमारा जो AIIMS जम्मू है दैट इज़ द मोस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और इसके साथ साथ जो है एक हमने IIT दिल्ली के साथ जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, उसको हम बोलते हैं इंडोर पेशेंट नेविगेशन सिस्टम. उसमें यह है कि जब आप कोई भी पेशेंट आएगा वो QR कोड होगा, उसको अगर वो स्कैन करके तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, तो उसमें आप इंटर कीजिए आपने जाना कहाँ है, तो वो आपको गाइड करेगा एक्चुअली वहाँ पर. दूसरा जो है हमारा टोटल डिजिटल है AIIMS जो है, टोटल ऑनलाइन सर्विसेज हैं. और तीसरा जो है वो हमारे मोस्ट मॉडर्न लाइब्रेरी है यहाँ पर, विच विल बी ओपन 24/7 हर फैसिलिटी. एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आज पेशेंट्स आ रहे हैं तो अभी तक कितने पेशेंट्स आए हैं और कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आए हैं, ये बड़ा मायने रखता है. जैसे आपने हमें पहले भी जानकारी दी थी कि न सिर्फ जम्मू बल्कि लेह लद्दाख पंजाब हिमाचल के इलाकों से यहाँ पर लोग इलाज के लिए आएंगे. एग्जैक्ट नंबर तो अभी बताना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि टोटल नंबर हमें जो है 5 बजे मालूम पड़ेगा कि आज पूरे दिन में कितने पेशेंट आए हैं यहाँ पर. जैसे कि पहले हम 200 पेशेंट रोज आते थे, तो आज मैं एक्सपेक्ट करूँगा ज़्यादा पेशेंट होंगे उसके वहाँ पर. और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस अभी होगी नहीं, बट आज से वो अवेयरनेस भी होना शुरू हो जाएगी. वी आर एक्सपेक्टिंग पेशेंट नॉट फ्राम जम्मू एंड कश्मीर बट लेह लद्दाख पंजाब और हिमाचल से भी एक्चुअली. दूसरा जो है वो क्या नाम है, जो पेशेंट आता है तो वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज सो दैट दे आर कंफर्टेबल. हमारा ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आए उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, ना कि वो हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस होता है वो हो. और इसके साथ साथ जो है हमारे डॉक्टर्स आर ऑल्सो एक्साइटेड एंड नर्सिस आर ऑल्सो एक्साइटेड एंड ऑल द स्टाफ. तो जब मैंने राउंड ले रहा था मैं उनसे पूछ रहा था हाउ यू आर फीलिंग, दे से दैट गुड. तो इट मीन्स कि दे आर वेटिंग फॉर दिस सेक्टी कि भाई आज OPD सर्विसेज हैं एंड वी विल ट्राइंग टू कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द नेबरिंग स्टेट्स आल्सो. बिल्कुल. तो आखिर में क्या आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि आज से ये शुरुआत हो गई है जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था? मैसेज मेरा ये रहेगा कि आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. कि हमारा ऐप से भी जो है ले सकते हैं एक्चुअली. आप रेफर कोई पेशेंट आएगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर. लेकिन कोई भी पेशेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, एवरीबॉडी विल टेक केयर ऑफ. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी AIIMS विजयपुर जम्मू से, जिन्होंने विस्तार से बताया कि आज से ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, पेशेंट्स को यहाँ पर जो भी यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं उनका बेहतर चेकअप किया जा रहा है, डॉक्टर्स भी यहाँ पर एक्साइटेड हैं, तमाम स्टाफ एक्साइटेड है, और उसी के साथ साथ पेशेंट्स के अंदर भी एक एनर्जी अलग ही देखने को मिल रही है. वो ये कहते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर ही हमारी आधी बीमारी जो है दूर हो गई है. अभी एग्जैक्ट नंबर आना बाकी है कि आज पहले दिन कितने पेशेंट्स आए हैं, लेकिन पठानकोट हमारा जो नेबरिंग स्टेट है जम्मू कश्मीर के साथ लगता पंजाब, वहां पंजाब से पेशेंट आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको आज से यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं. सुपर स्पेशलिटी की अगर बात करें उसके लिए भी प्रोविजन यहां पर है, और इमरजेंसी सर्विसेज आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी. 2-3 महीने का समय लगेगा, फिर उसके बाद एडमिशन भी पेशेंट्स की यहां पर शुरू हो जाएंगी. और एक चीज मैंने सर से नहीं पूछी है, लेकिन सर से जो मुझे जानकारी मिली है कि AIIMS जम्मू जो है वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब भी बनने जा रहा है. तो आज से जिस तरह से OPD सर्विसेज यहां से शुरू हुई हैं, इलाज होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, तो
तमाम उन लोगों से अपील करूंगा जो बेहतर इलाज कराना चाहते हैं, जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो एम्स जम्मू में आए, आपको बेहतर इलाज मिलेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जब आप जाएंगे तो मात्र 10 रुपये की जो फीस है ये आपको देनी है, और अगर कोई नहीं दे सकता है तो उसको जो है ये एग्जाम्प्ट कर दी जाएगी। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, आपको यहाँ पर वॉलंटियर्स मिलेंगे जो आपको रिसीव करेंगे और आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाएंगे ताकि आप डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, आपका अच्छा चेकअप हो। तो आज से ये सर्विस शुरू हो चुकी है, ये जम्मू वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।